हेलो फ्रेंड्स, अपने फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा था कि लिनक्स यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स में कमांड बेस पे काम होता था, जबकि लिनक्स में कमांड बेस के साथ साथ जीयूआई बेस्ड पे भी आप काम कर सकते हैं। अपने आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप जीयूआई इस ग्राफिकल मोड से कमांड प्रॉम्प्ट पे जा सकते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट से जीयूआई पे आ सकते हैं। यहाँ पे इस समय मैंने GUI से लॉगिन किया हुआ है, हमने यूज़र नेम पासवर्ड दिया था। अब मान लीजिए मैं टर्मिनल मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना चाहती हूँ, तो इसके लिए आप कंट्रोल ऑल्ट F1 इन तीनों कीज़ को एक साथ प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपके आगे स्क्रीन आ रही है। एंटर प्रेस करने पे आप देखेंगे प्रियंका हाइफन प्रियंका वर्चुअल बॉक्स, यहाँ आपको लॉगिन नेम जो आप पहले GUI में दे रहे थे वो यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट में लॉगिन नेम देना होगा। मैंने प्रियंका दिया था, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आपको अपना लॉगिन पासवर्ड देना होगा। आप यहाँ ध्यान देंगे कि पासवर्ड जब हम टाइप करेंगे तो वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, एंटर प्रेस किया। आप देखेंगे इस तरीके से हम कमांड मोड में अपने सिस्टम में लॉगिन कर चुके हैं। अब मान लीजिए आप इस कमांड मोड से GUI मोड में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऑल्ट कंट्रोल F7 इन तीनों कीज़ को एक साथ प्रेस करेंगे। आप देखेंगे अब हम कमांड मोड से GUI मोड में आ चुके हैं। आप चाहें तो GUI मोड में भी टर्मिनल मतलब कि कमांड मोड को ओपन कर सकते हैं। Ubuntu के प्रीवियस वर्जन्स में यहाँ पे ही टर्मिनल का ऑप्शन मिलता था लेफ्ट हैंड साइड में, पर 13th वर्जन में ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको ऑल्ट कंट्रोल टी इन कीज़ को एक साथ प्रेस करना होगा। आप देखेंगे टर्मिनल ओपन होके आ गया है। इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे अपने टर्मिनल पे कोड कर सकते हैं। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने GUI मोड से कमांड मोड और कमांड मोड से GUI मोड पे मूव करना सीखा। थैंक यू। टू गेट फुल वर्जन ऑफ दिस ट्यूटोरियल प्लीज विजिट आवर वेबसाइट www.igig.co.in और कॉल अस एट 08097195231 और 09223944444।